हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनिसॉल इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ लवजीत। तो अभी हम पूरे लेक्चर्स जो है 11th क्लास के जो कॉन्सेप्ट्स है वो कर चुके हैं, और आपका 12th क्लास में अभी जो है वेलकम करने के लिए हम जो आज आए हैं, और फर्स्ट लेक्चर जो है वो डिलीवर करने के लिए मैं आपको वीडियो लेक्चर जो है दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, देखो आपने 11th क्लास में बहुत सारी मुश्किलों को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कॉन्सेप्ट्स में फेस किया होगा, क्योंकि 10th के बाद जो डायरेक्टली 11th में माइग्रेशन बच्चों की होती है, डायरेक्टली ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो सिलेबस का डिफरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रह जाता है बच्चों के लिए। तो एक सही गाइडेंस अगर उन्हें नहीं मिली, सही डायरेक्शन नहीं मिली, सही टीचर्स जो हैं उन्हें अगर पर्सनली टीच नहीं कर पाए, तो प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी पड़ सकती है, और काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी भी पड़ी होगी। तो 11th क्लास में 6-7 महीने तो यही समझने में लग जाता है बच्चों को कि पढ़ना कैसे है, या फिर हमने रिवीजन कैसे करनी है, हमारे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स इन चीज़ों की चिंता करते हैं, बट 12th में आकर के चीज़ों की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बच्चों को हो ही जाती है। तो आई होप आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि आपको पढ़ना है, क्योंकि पूरी दुनिया देखें तो विदाउट एजुकेशन कोई भी ग्रो नहीं कर पा रहा है। टेक्नोलॉजी में या किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए, विदाउट एजुकेशन, विदाउट स्टडीज, नो वन कैन ग्रो अप द लैडर, ऊपर नहीं चढ़ सकता। क्लियर? तो अभी जो 12th क्लास के लेक्चर्स हैं ये आपने बहुत अच्छे से देखने हैं। फिजिक्स के जो लेक्चर्स हैं, स्पेशली फिजिक्स जो ऐसा सब्जेक्ट है आपने जो रखा है वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सब्जेक्ट है। इवन उनके जो एग्जाम्स भी आते हैं वो डायरेक्टली न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं। बच्चों ने कितना अंडरस्टैंड किया है कॉन्सेप्ट को, कितना उन्होंने ग्रैप किया है, कितना वो खुद से क्वेश्चन बना सकते हैं, खुद से आंसर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये जो है एग्जाम्स में चेक किया जाता है। क्लियर? तो अभी हम जो है धीरे धीरे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे, तो आप मेरे साथ जो है सारे लेक्चर जो है देख लो। अगर पिछले लेक्चर्स अगर किसी ने देखने हैं 11th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट्स, वो भी आप देख सकते हो। तो चलिए आज शुरू करते हैं फर्स्ट यूनिट से, जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा बच्चों, मैं आपको बता दूं, मैथ्स और केमिस्ट्री और बायो के लेक्चर्स भी जल्दी आ जाएंगे आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पे और हमारे वेबसाइट पे भी। तो सबसे पहले हम जो है फिजिक्स के लेक्चर्स जो है कंप्लीट कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, हमारी टोटल यूनिट्स कितनी है और कैसे कैसे उसकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कितना टाइम आपने किस यूनिट को देना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में ही जानना। एक प्लान बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने रियलाइज किया होगा कि आप लैक कर गए कॉन्सेप्ट में, प्रॉब्लम्स आई कॉन्सेप्ट में। इसका मेन रीजन है आपका कोई प्लान ही नहीं है, आप रेंडमली पढ़ रहे हो किसी भी चीज को। आपके घर के काम आ गए, कुछ भी और काम आ गया, आप चले गए, किसी ने कुछ बोल दिया, वो काम करने लग गए, और आपका कोई प्लान ही नहीं है, कुछ आपने रेडी नहीं किया स्ट्रेटजी कि किस तरह से कितने दिनों में मुझे ये टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। तो हम एक बार ये सारे टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो बच्चों आपकी यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो मैंने ऊपर भी लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिक यूनिट है, जो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है, जो चार्जेस पे बेस्ड है। इसको पढ़ने के बाद आप अगली चार यूनिट, अगली तीन यूनिट, टोटल मिला के चार बनती हैं, उन्हें आप कर सकोगे, क्योंकि सेकेंड यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सेकेंड यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप तभी अच्छे से कॉन्सेप्ट कर पाओगे अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ रहे हो। तो याद रखो, कोई भी आपको टीचर्स अगर कोई स्कूल में, आपकी कोचिंग्स में, कहीं पे भी आपको अगर कोई इसके बिना ही ये यूनिट शुरू कर की जा रही है करंट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट हैविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है, डायरेक्टली ये शुरू कर दी, तो ये बहुत खतरनाक है। ये अपने दिमाग में बैठा लो, इसके कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर कर लेना, फिर ये यूनिट को करना। क्लियर? अगर किसी बच्चे ने कर लिए हैं तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकेंड यूनिट पे आ सकता है। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर इसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में,
मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अब बच्चों ये वाली यूनिट भी जो है इन दोनों यूनिट्स को पढ़ने के बाद ही करनी चाहिए। ये सारी यूनिट जो है इंटरकनेक्टेड है। और उसके बाद स्टूडेंट्स आपकी फोर्थ यूनिट जो आ जाती है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर आप कह सकते हो अल्टरनेटिंग करंट, एसी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, अल्टरनेटिंग करंट, ये फोर्थ यूनिट है। देखो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले चार यूनिट्स के बारे में समझा देता हूँ। ये चारों की चारों यूनिट जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर एक यूनिट नहीं आती दूसरे में प्रॉब्लम आएगी, दो यूनिट्स नहीं आती तीसरे में प्रॉब्लम आएगी। तो इन तीनों यूनिट्स को या इन चारों यूनिट्स को कह लो आप पढ़ने के बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स आप देखोगे जो एप्लीकेशंस है फोर्थ यूनिट में, जैसे कि एसी जनरेटर हो गया, ट्रांसफॉर्मर आपके घरों के आसपास आप देखते हो, वो एप्लीकेशंस में सारे यूनिट्स के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। तो हम ये सारी यूनिट्स पढ़ रहे हैं उन एप्लीकेशंस के लिए। क्लियर है बच्चों? ये चीज याद रखना, इनके ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए इस यूनिट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो आपकी सबसे बड़ी यूनिट जो है वो आती है, इसके बाद एक और यूनिट है फिफ्थ जो है ई एम वेव्स, ये एक छोटी सी यूनिट है जो वेव्स के बारे में बताती है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सिक्स्थ यूनिट जो है वो आती है ऑप्टिक्स इज द बिगेस्ट यूनिट कह सकते हो आप, कॉन्सेप्ट बेस्ड या फिर आप कह सकते हो मार्क्स बेस्ड, कि सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी में से है। ऑप्टिक्स में दो तरह की ऑप्टिक्स आती है, एक है रे ऑप्टिक्स, एक है वेव ऑप्टिक्स। बच्चों एक है रे ऑप्टिक्स, एक है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, उसके बाद जो यूनिट है सेवंथ वो है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो ये वाली यूनिट भी जो है आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद है एट्थ यूनिट एटम एंड न्यूक्लियाई, तो थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे हम इसमें। हम जरूरी नहीं है कि फिजिक्स में सारे फिजिक्स के ही कम्प्लीटली टॉपिक्स रहते हैं, हम केमिस्ट्री थोड़ा, तो केमिस्ट्री जो है फिजिक्स की फॉर्म में जो टर्म्स हैं जैसे बोहर मॉडल वगैरह हो गया, वो हम एटम एंड न्यूक्लियाई में पढ़ने वाले हैं। एंड लास्ट यूनिट जो अभी आपके सिलेबस में है वो बच्चों है सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। बच्चों ये वाली यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं यहाँ पे, आप जितनी भी यूनिट बच्चों पढ़ने वाले हो, जितनी भी यूनिट पढ़ने वाले हो, सारी की सारी इस लास्ट यूनिट में यूज होगी, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। क्यों यूज होगी? क्योंकि आप पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी देख लो, कुछ भी आप चला रहे हो, इवन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपके मोबाइल फोन्स, आपके लैपटॉप्स, आपके टैबलेट्स, कोई भी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, तो वो सारी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, वो सारी की सारी इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे बेस्ड है। तो उसके अंदर चिप होती है ना बच्चों, जैसे मैं माइक यूज कर रहा हूँ, इसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स हैं, कैमरा है, या कुछ भी आप एरोप्लेन में जा रहे हो, या फिर आप ट्रेन में जा रहे हो, कार्स में हो, फोर व्हीलर्स में, टू व्हीलर्स में, सभी में बच्चों जो चिप्स हैं वो लगाई जाती है। क्योंकि कार्स में देखे तो सेंसर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बिना काम नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने के लिए बच्चों सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस यूज होती हैं। सेमीकंडक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी एसेंशियल पार्ट इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो आने वाला बच्चों जमाना जो है, आने वाला जो पीरियड है हमारी लाइफ का, उसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में स्पेस ले चुकी है, और उनके कॉन्सेप्ट्स जिनको पता है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं अपनी स्टडीज़ में, या फिर अपने अपने ही ग्रोथ में जो साइंस फील्ड से रिलेट रखते हैं बच्चे। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट जो है सेमीकंडक्टर्स पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो इन सारी यूनिट्स को हम पढ़ेंगे। मैं बच्चों आपको बता देता हूँ, फर्स्ट फोर यूनिट्स और साथ में ऑप्टिक्स। क्या बोला मैंने? फर्स्ट फोर यूनिट्स और साथ में ऑप्टिक्स। कौन कौन सी यूनिट है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे मैं नेम बोल रहा हूँ, मेरे साथ नेम रिपीट करोगे तो आपके दिमाग में नेम्स जो है वो आ जाएंगे, सो डेट आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जो जब भी कोई पढ़ने लगोगे कोई नई चीज़ नहीं आपको फील होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर मैग्नेटिज्म, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चार यूनिट्स, और साथ में ऑप्टिक्स।
बच्चों ये मिला के टोटल 43 से 46 मार्क्स तक आ जाती हैं आउट ऑफ 70, आपके बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, जेई नीट की नहीं, आउट ऑफ 70 जो है 43 से 46 मार्क्स तक की सारी यूनिट्स आती हैं। जेई नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं, क्लियर है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा आने वाले लेक्चर्स में, बट अभी मैं बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। 43 से 46 अगर आप अप्रॉक्सीमेटली देख लोगे तो 45 मार्क्स जो है वो इसी में से आ जाते हैं, इन्हीं पांच यूनिट्स में से, सोचो 70 में से 45 इसके ही आ जाते हैं और 30 आपके प्रैक्टिकल के लगा लो, 75 तो सिर्फ इन पांच यूनिट से बन जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो बची हुई जो यूनिट्स है कौन कौन सी यूनिट है बच्चों, बची हुई फिफ्थ यूनिट है, सेवन्थ एट्थ नाइन्थ, फिफ्थ है सेवन्थ एट्थ एंड नाइन्थ जो यूनिट है बच्चों वो लगभग 25 मार्क्स की आती है, 25 मार्क्स की रहती है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, थोड़ा सा मैंने ब्रीफली बता दिया है आपको कि किस तरह से आपने जो है इस लेक्चर्स को प्रिपेयर करना है। तो एक छोटा सा टॉपिक से मैं शुरू करूंगा आज, छोटा सा टॉपिक होगा चार्ज, कि चार्ज होता क्या है स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में हम सारा के सारे कॉन्सेप्ट जो अच्छी तरह से पढ़ते जाएंगे, पूरा लेक्चर बाय लेक्चर आपने ये सीरीज को देखना है, रिवाइज करना है, कोई प्रॉब्लम आती है मेरे से पूछना है, कोई भी इशू आता है, किसी न्यूमेरिकल में डाउट आता है हमसे कॉन्टेक्ट कर लेना, एनिसॉल या मुझसे डायरेक्टली लवजीत से कॉन्टेक्ट कर सकते हो आप, ओके बच्चों। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज चार्ज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप बोलोगे सर क्या आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ट्वेल्थ में हो गए और आप पूछ रहे हो व्हाट इज चार्ज, तो बच्चों मैं आपको बता दूं ये पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है चार्जेस पे ही बेस्ड है। किसी को चार्ज के बारे में अगर क्लियर नहीं है, बेसिक्स के बारे में क्लियर नहीं है, तो बच्चों आपको प्रॉब्लम आ जाएगी इसे पढ़ने में। तो स्टूडेंट्स आपको ये चीज क्लियर रखनी है, आपको चाहे 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, 9th का है, वो सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको क्लियर करना है। सबसे पहले बच्चों स्टूडेंट्स मैं आपको इनको इसका मीनिंग जो है वो समझा देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से बनी है जो आपको दिख भी रहा है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का बच्चों मीनिंग होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस या फिर आप इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हो, और बच्चों जो स्टैटिक्स का मीनिंग है वो है रेस्ट। तो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट है उसकी स्टडी करनी है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जितने भी चार्जेस रेस्ट पे रखे हैं, मोशन में नहीं है, ये दिमाग में बैठा लेना बच्चों, मोशन में इस यूनिट में हमने नहीं पढ़ना, मोशन में चार्जेस को पढ़ना है सेकेंड यूनिट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स करंट का मतलब होता है चार्जेस का मूव करना, मोशन आना, वो इस यूनिट में नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चार्जेस को कितनी फोर्स लगती है, कितनी पोटेंशियल है, कैपेसिटेंस, ये सारी चीजें हमने इस यूनिट में पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा व्हाट इज चार्ज। तो बहुत सारे बच्चे अपने मन में ला रहे होंगे, आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो कि व्हाट इज चार्ज, जैसे भी जब भी आप वीडियो देख रहे हो तब आप लिख सकते हो मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज चार्ज, और अपने आप को एनालाइज करना आपने आंसर क्या दिया है। तो स्टूडेंट्स मैं आज चार्ज के बारे में बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, या फिर बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे करंट फ्लोइंग इन अ वायर चार्ज होता है, बट नो, करंट का मतलब चार्ज का फ्लो होना, बट मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज चार्ज, और आप बोल रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, दीज आर टाइप्स ऑफ चार्जेस। पॉजिटिव नेगेटिव जो है बच्चों टाइप्स होते हैं चार्जेस के, बट व्हाट इज चार्ज की डेफिनेशन अगर आप देखोगे, देखो इस अर्थ में हर बॉडी किससे बनी है, इस अर्थ में हर बॉडी बनी है एटम से, आपकी बॉडी भी किससे बनी है, एटम से बनी है। ईच एंड एवरीथिंग, अपनी नजरें कहीं पे भी घुमा के देख लो, हर चीज जो आपको दिखेगी इस यूनिवर्स में वो एटम से बनी है, और एटम के अंदर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है स्टूडेंट्स न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास दो ही चीजें होती हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन बच्चों क्या होता है, चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके अराउंड क्या रिवॉल्व कर रहा है,
सभी को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं इसके अराउंड, तो इसका मतलब हर एटम के पास चार्जेस हैं बच्चों। हर एटम के पास अगर चार्जेस है, इट मींस हर बॉडी के पास चार्ज है। ऐसी कोई बॉडी नहीं है इस अर्थ में, इस यूनिवर्स में, जिसके पास चार्ज ना हो। तो इसका मतलब चार्जेस जो है हर बॉडी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और चार्जेस क्या कर सकते हैं ये भी आपको पता होना होगा। अगर नहीं पता है सुन लो, अगर आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहते हैं, अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को पास में लाऊं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आप बताओ। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को पास में लाएं क्या होगा, ये दोनों चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यस, ये दोनों चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट मतलब ये दोनों चार्जेस आस पास, मतलब अपने आप को पास में लाने की कोशिश करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। अगर स्टूडेंट्स पॉजिटिव पॉजिटिव दो चार्जेस पास में लाएंगे या फिर नेगेटिव नेगेटिव दो चार्जेस पास में लाएंगे, इन दोनों केसेस में स्टूडेंट्स क्या होगा, इन दोनों केसेस में क्या होगा, रिपल्शन होगी। इन दोनों केसेस में रिपल्शन होगी। रिपल्शन मींस ये दोनों चार्जेस जो है अपने आप को दूर दूर करने की कोशिश करेंगे, पास में नहीं आएंगे। जैसे मैग्नेट्स में होता है वैसे ही चार्जेस में होता है। चलो ये तो टाइप्स के बारे में बता दिया मैंने। अब बच्चों हर बॉडी में चार्ज है तो डेफिनेशन क्या बनती है, अभी तक मैं डेफिनेशन पे आया नहीं। डेफिनेशन क्या बनती है चार्जेस की, चार्जेस की डेफिनेशन बनती है, इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी। मैंने बोला हर बॉडी में चार्ज है तो बोल दो इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी। क्या करने की, क्या करने की प्रॉपर्टी हो सकती है, दो ही काम हो रहे हैं चार्जेस के बच्चों, दो ही काम हो रहे हैं, अट्रैक्ट कर सकती है या फिर रिपेल कर सकती है। सो इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी टू अट्रैक्ट और टू रिपेल अदर बॉडी। किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि दूसरी बॉडी में भी चार्ज है और पहली बॉडी में भी चार्ज है, पहली बॉडी क्या करेगी दूसरी बॉडी को, या तो अट्रैक्ट कर लेगी अपनी ओर या फिर दूसरी बॉडी को क्या कर लेगी, रिपेल कर देगी, अपने से दूर कर देगी। तो मैं यहाँ पे बॉडीज के एग्जांपल ले रहा हूँ। हाँ बच्चों एक चीज और, आपने 11th क्लास में ग्रेविटेशन पढ़ा है, दो मासेस जो है स्टूडेंट्स वो रिपेल नहीं हो सकते, उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। दो मासेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, दो मासेस आस पास लाओ तो वो अट्रैक्ट ही होंगे। अब आप सोच रहे हो अगर किसी को नहीं पता ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में तो आप सोचोगे सर कैसे अट्रैक्ट होंगे, कितनी सारी बॉडीज हम देखते हैं वो अट्रैक्ट तो हो नहीं रही है। क्लियर, एक्चुअल में ये आप पढ़ लेना 11th क्लास के कॉन्सेप्ट्स में है, मैं अभी उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स बहुत वीकेस्ट फोर्सेज है, इसीलिए ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होती है, बट अट्रैक्टिव फोर्सेज लगती ज़रूर है। बट इस केस में क्या है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों लगती हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। अभी मैं इसकी थोड़ी दो प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेता हूँ। तो बच्चों दो प्रॉपर्टीज जो है, दो इसकी कह सकते हैं करैक्टरिस्टिक्स जो है चार्जेस की, चार्जेस की डेफिनेशन लिख लेना, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी टू अट्रैक्ट और टू रिपेल, ये दिमाग में रखना। करैक्टरिस्टिक्स क्या है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस, एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस, एडिटिव मतलब सम। तो मतलब चार्जेस जो है कभी भी अगर किसी सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन, तो वो सारे चार्जेस का टोटल निकालना है, अगर वो सारे चार्जेस का टोटल कैलकुलेट करना है तो सारे चार्जेस को क्या कर दो, सम कर दो। बहुत इजी है, मतलब चार्जेस जो है कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, कभी भी चार्जेस को सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, माइनस की फॉर्म में नहीं लिखा जाता स्टूडेंट्स, ये चीज को दिमाग में रख लेना, हमें ये प्रॉपर्टी है इसकी। अब बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, बट एक्चुअल में ये करैक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ना है कि एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस हमने लिखना है। मान लो मैं फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक बॉडी है जिसके पास बहुत सारे चार्जेस है Q1, Q2, Q3, तो मैं तीन ही अभी कंसिडर कर रहा हूँ, टोटल चार्ज कितना होगा इसमें, अच्छा मैं चार ले लेता हूँ, एक दो में नेगेटिव लगा देता हूँ, Q2 में नेगेटिव लगा दिया बच्चों और Q4 में मैंने नेगेटिव लगा दिया, Q1 पॉजिटिव है Q3 पॉजिटिव है, तो Q1 पॉजिटिव है Q2 में नेगेटिव लगा है और Q3 पॉजिटिव है और Q4 में नेगेटिव लगा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, देखो यहाँ पे मैंने प्लस करके लिखा है,
ठीक है, प्लस करके लिखा है सारी चीजें को, चाहे वहां पे नेगेटिव भी है फिर भी उसे ब्रैकेट में छोड़ दिया। ये लिखने का तरीका है, सिर्फ तरीका है। अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चों न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करेंगे तो माइनस ही होगा, तो ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप प्लस माइनस करते हो कुछ गलत नहीं हुआ है, वही करेंगे। अभी जस्ट क्या है, हमने दिखाया है कि ये एडिटिव नेचर को शो करता है, क्लियर। ज्यादा कोई बड़ी डेफिनेशन नहीं है इसकी। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स वो है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये बार बार बोलो अपने दिमाग में, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? क्वांटाइज्ड है, कोई चीज क्या है? क्वांटाइज्ड है। कोई इंग्लिश में बहुत अच्छा है उसे पता ही होगा क्वांटाइजेशन क्या होता है। क्वांटाइज का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि कोई चीज क्वांटाइज्ड है, मतलब पैकेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, पैकेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। एनर्जी के जैसे पैकेट्स होते हैं, अब मैं आपको समझाता हूँ क्या है ये। एनर्जी के पैकेट्स का मतलब हो गया किसी बॉडी में फिक्स्ड चार्ज होता है। मतलब मेरा कहने का ये है, या तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है किसी बॉडी में, या फिर दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं किसी बॉडी में, या तीन इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, या चार इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सर ये क्या कर रही हो, डायरेक्टली लिख दो, एन इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, क्लियर। तो या फिर n इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी में हो सकते हैं, तो किसी बॉडी में टोटल चार्ज कितना आ रहा है, एन ई। टोटल चार्ज किसी बॉडी में कितना हो सकता है, एन ई। एन यहाँ पे बच्चों क्या है, आप समझ गए होंगे n क्या है। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे n क्या है, लिख लो अपनी नोटबुक पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और e क्या है स्टूडेंट्स, e क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन में बच्चों, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा एक चीज बताना भूल गया मैं, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज किससे मेजर किया जाता है? यस, आपको पता है, मुझे पता है कि आपको पता है ऑलरेडी, बट आप फिर भी याद रखना, कूलम। दिमाग से नहीं जाना चाहिए, कूलम किसकी यूनिट है, एसआई यूनिट किसकी है, कूलम किसकी एसआई यूनिट है, चार्ज की। चार्ज की एसआई यूनिट जो है वो कूलम है। कूलम साइंटिस्ट का नेम था, इसके बारे में बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में। तो यहाँ पे जो है एक मास, एक इलेक्ट्रॉन का मास भी याद रखना है स्टूडेंट्स, 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। तो देखो अभी याद कर लोगे आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाद में याद करोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। ये दोनों वैल्यूज जो है आपको याद रखनी है, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आपको याद रखनी है। तो क्लियर है बच्चों, किसी बॉडी में कितना चार्ज हो सकता है, Q इज इक्वल टू एन ई। तो स्टूडेंट्स एक चीज और याद रखना, एन जो है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, एन जो है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, एन जो है फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ये चीज याद रखना। मतलब मैं कह ही नहीं सकता कि किसी बॉडी में 3/2 चार्जेस हैं, किसी बॉडी में 5/7 चार्जेस हैं। तो मतलब अगर मैं बोलूं 5/7 चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, नहीं हो सकते, आधा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक से अगर फ्रैक्शन में चार्जेस को एग्जिस्ट करवाओगे, पॉसिबल ही नहीं है, नेचर में है ही नहीं, गॉड ने हमें दिया ही नहीं ये चीजें। तो इसीलिए याद रखना, चार्जेस सिर्फ इसी क्वांटिटीज में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा एनी। अगर किसी बॉडी में टोटल चार्ज निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद रखना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मल्टीप्लाई कर देना है उससे, आ गया आंसर। बहुत इजी है, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको ये जो लेक्चर है समझ आया होगा। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आ सकती है, इंसान है, कोई भी प्रॉब्लम हमें आ सकती है, कोई भी डाउट हमें आ सकता है, कोई इशू नहीं है उसका। आप पूछो, जितनी बार मर्जी पूछो, हम बताएंगे आंसर। और भी आपको नोट्स चाहिए, आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, बट नोट से बच्चों आपको नोट लेकर के बैठ नहीं जाना है, उसको पढ़ना है। नोट्स आप लाखों की क्वांटिटी में नोट्स आपको हर जगह से मिल जाएंगे, बट पढ़ना उसको समझाने वाला होना चाहिए, क्लियर है। तो नोट्स तो आपको बुक्स भी मिल जाएंगे, बट उसे समझाने वाला, लेक्चर्स को डिलीवर करने वाला, आपके दिमाग में डालने वाला कोई होना चाहिए। तो आपको कोई डाउट होगा तो हमसे पूछ सकती है। ओके देन, थैंक यू, फिर से मिलेंगे।